डॉक्टर जिंदा सिंह जी सामने सामने देखिए कार्यक्रम आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का स्वागत करना है। भैया महेंद्र जी से मैं ऊपर करिए ना सर। हाँ पहले मोबाइल वैन अपनी जारी एम्बुलेंस है उद्घाटन डॉक्टर रणवीर सारे लोगों की मैं मती बधाई देगा कि ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था सेवा भारती अपना सहारा हेल्थ एंड डेवलपमेंट सोसाइटी ये एम्बुलेंस ग्राए ग्राए जानी है। ग्राए के लोगों की स्वास्थ्य सुविधा देने का एक छोटा जहा प्रयास है। असें प्रयास भी कीता है कि ये एम्बुलेंस उस क्षेत्र च जाग जिस क्षेत्र च स्वास्थ्य दिया बसोली बने ते डुगन ऐसे सारे इलाके च बारी बारी करिए इस वैन ने इस एम्बुलेंस ने जाना है। हां बिल्कुल सर जम्मू कश्मीर और पांच उत्तर क्षेत्र उद्घाटन हो रहा है उसमें से समाज में जो वंचित है निरा करके उनको भारती का इस 39 साल से धीरे धीरे कह देना एक शिशु वाटिका एक बड़ा विद्यालय है वो जी एक बड़ा ही अद्भुत कार्यक्रम और एक ही समय में बहुत सारे कार्य इसमें संपन्न हो रहे हैं। इसमें सेवा भी है, इसमें संपर्क भी है, इसमें स्टार्टअप भी है।
और मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल में जो प्राथमिकताएं थी वो तीनों की तीनों प्राथमिकताएं इसमें झलक रही हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार सेवा समर्पित है और आज इसमें सेवा का आप दर्शन कर रहे हैं, संपर्क भी है और आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा चला रहा है एक स्टार्टअप ग्रुप, अपना योगदान करके अपनी भूमिका निभा रहा है। ये एक अपने तरह का पहला प्रयोग है, ये दर्शकों को समझा, बेस्ड ऑन टेलीविजन से नहीं रहेगी। हमने ये तीसरा चरण है, ये मन में ख्याल आया कि ऐसे क्षेत्र उधमपुर कठुआ डोडा इस लोकसभा क्षेत्र के जहां दूर दराज के इलाकों में कुछ कुछ ऐसे गांव हैं जहां वहां पर लोगों ने कभी डॉक्टर के दर्शन तक नहीं किए। अगर हेल्थ क्लिनिक है तो डॉक्टर नहीं है, डिस्पेंसरी अगर डॉक्टर है तो डिस्पेंसरी नहीं है, मगर किन्हीं कारणों से वो वंचित रहते हैं। तो हमने पहला ये प्रयोग किया था, गंढो एक दूर दराज का क्षेत्र है डोडा में, 3 महीने ये मोबाइल टेलीमेडिसिन क्लिनिक वहाँ रही, 30 गाँव में इसका घूमना रहा और वहाँ पर हजारों की संख्या में मरीजों ने इसका लाभ उठाया। उसके बाद हम सीमावर्ती क्षेत्र में गए, इंटरनेशनल बॉर्डर कठुआ हीरानगर के पास, वहाँ पर भी उसी प्रकार से 3 महीने लगाए और अब बिलावर के इस मांडली के पास के गांव जो हैं उसका एक सूची बना दी गई है, दूर दराज के गांव जहाँ अगर डॉक्टर की नियुक्ति भी की जाती है तो जाता नहीं है। अब इसकी विशेषता ये है, क्योंकि ये भी समझना अनिवार्य है आने वाले समय के लिए, 5-7 मिनट में सारे के सारे बॉडी के टेस्ट इसमें कर दिए जाएंगे, जो शायद आपको अगर जम्मू में भी करवाने होंगे तो 10-15-20 हज़ार से कम नहीं लगेगा और अगर आप मुंबई दिल्ली जाएंगे तो कोई उससे कई गुना ज़्यादा। उसके उपरांत अगले 10 मिनट में ये निर्धारित कर दिया जाएगा किस प्रकार के विशेषज्ञ से आपको मशवरा करना है, कौन सा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। ये टाई अप किया गया है कुछ एक अस्पतालों के साथ, अहमदाबाद में, बंगलौर में, सूरत में, तत्काल उस कंसर्न अगर न्यूरोलॉजिस्ट है नसों की बीमारी न्यूरोलॉजिस्ट मिलेगा, हार्ट की बीमारी तो हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट, डायबिटीज है तो डायबिटोलॉजिस्ट, उसके साथ आपका संपर्क होगा वीडियो के माध्यम से और अगले 10 मिनट में प्रिंटर के माध्यम से आपको प्रिस्क्रिप्शन नुस्खा प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के ये प्रक्रिया 20-25 मिनट में संपन्न हो जाती है। अब अगर यही इसी प्रकार के अस्पताल और इसी स्तर के डॉक्टर के साथ मशवरा आपने बड़े शहर में जाकर के करना हो तो हो सकता है पहले 2-3 हफ्ते आपको अपॉइंटमेंट ही ना मिले और अगर मिले तो 50-60 हज़ार रुपया मामूली बात है, पहले दिन आप टेस्ट करवाएंगे, दूसरे दिन रिपोर्ट मिलेगी, तीसरे दिन फिर से आप लाइन में लगेंगे। ये सुविधा यहाँ पर लगाई है और हमारी कल्पना है कि अगले 1-2 वर्ष में जब इस प्रकार का हम कैंप लगाएं तो इसमें रोबोटिक सर्जरी की भी सुविधा हो, क्योंकि रोबोटिक सर्जन के साथ भी हम संपर्क में हैं लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि जब तक 6G इत्यादि जब शुरू हो जाए तो स्टिचेस वगैरह टांके लगाने में ज़रा और ज़्यादा आसानी और सुविधा हो जाती है और इससे एक तरह का लोगों में जागरूकता का भी काम रहेगा कि किस प्रकार की टेक्नोलॉजी इस समय उपलब्ध है मोदी जी के आने के बाद इस देश में और हेल्थ स्टार्टअप्स के लिए एक नया विकल्प। ये 3 महीने का जो एक